नमस्कार, आज हम शुरू करेंगे बोन प्रक्षेप। जैसे कि बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि आपके कोर्स में प्रक्षेप हैं, और जिसमें मैंने सबसे पहले शंक्वाकार प्रक्षेप शुरू करवा चुकी हूँ। इनमें मैंने एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप तथा दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की रचना बताई तथा उनकी विशेषताएं बताई। साथ ही साथ हमें दो मानक शंकु प्रक्षेप बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके विषय में भी मैंने आप सबको प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए थे उनमें बताया था। स्टूडेंट्स, आप जाके यूट्यूब पर उनके लिंक देख सकते हैं और उनको अपने तरीके से समझ सकते हैं। आज मैं बोन प्रक्षेप शुरू करवाऊँगी। यह बोन प्रक्षेप भी एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप ही है जिसको पहली बार रिगबोर्ट बोन ने बनाया था। यह एक प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप भी है और इसे हम बोन का समक्षेत्र शंक्वाकार प्रक्षेप भी कह सकते हैं। तो हमें समक्षेत्र प्रक्षेप की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले जो भी प्रक्षेप आए थे वो इस विशेषता को पूरा नहीं करते थे। केवल एक मानक अक्षांश के ऊपर ही यह सारी विशेषता इनकी पूरी होती थी, परंतु जैसे जैसे उस मानक अक्षांश से ऊपर या नीचे की तरफ वो जाते थे तो प्रक्षेप में मापक संबंधी और दिशा संबंधी, क्षेत्रफल संबंधी सभी प्रकार की विकृतियाँ बहुत अधिक बढ़ती चली जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मानक पर ये जो बोन प्रक्षेप है इसकी रचना विधि बहुत सरल है। अगर आपने एक मानक अक्षांश को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि साधारणतः एक शंकु प्रक्षेप से काफ़ी मिलता जुलता है। अंतर केवल यह है कि इसमें एक मानक अक्षांश के शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएँ बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता था और इसमें सभी अक्षांश रेखाओं पर देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। बोन प्रक्षेप के रेखा जाल की तुलना सेंसन फ्लेमस्टीड के समक्षेत्र प्रक्षेप से भी की जा सकती है। आगे के जो वीडियोस आएंगे उनमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। मैं एक आपको जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें मैंने एक आपको मापनी दी है और इस मापनी की सहायता से हमें प्रक्षेप की रचना करनी है। चूँकि आप लोगों के आलेखी विधि है, इसी विधि से मैं आपको ये करवाऊंगी। आलेखी विधि में सबसे पहले जो मापनी दी गई है उसके अनुसार हमें आर निकालना है। तो आर का हमेशा से मैंने पिछली प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो पृथ्वी का वास्तविक मान होता है बटा जो आर आरएफ लिया जाता है उसके हर का भाग दिया जाता है और उससे आपके आर निकल जाता है। इसमें इस तहत जो आर निकाला गया है वो 5.08 सेंटीमीटर है। अब हमें बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमें 5.08 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्किल बनाना है जिसको कि हम नाम देंगे ए बी ओ, और इस सेमी क्वार्टर सर्किल अर्ध व्यास की सहायता से चतुर्थांश का करना है और ओ बी रेखा के ए बिंदु को, क्योंकि आगे के डायग्राम में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, डायग्राम थोड़ा सा आगे है, तो ओ बी रेखा के ओ बिंदु पर 15-15 अंश के अंतर पर कोण बनाते हुए ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ तथा ओ जी रेखाएं हमें खींचनी है। 15 डिग्री का कोण क्यों बनाना है, क्योंकि जो हमारा रेखा अंतराल है रेखाओं के बीच में, अभी रेखाएं कौन सी हो सकती हैं, अक्षांशीय रेखा भी हो सकती है और देशांतरीय रेखाएं भी हो सकती हैं, तो दोनों में अंतर आपका समान आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अक्षांशों में तो 15 डिग्री का ले लें और देशांतरों में अपने सुविधा अनुसार 30-30 डिग्री का ले लें। इन प्रक्षेपों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि समानता का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हमने 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाते हुए, आप डायग्राम देखिएगा, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ तथा ओ जी रेखाएँ खींची हैं। ई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हमें बनानी है जो बढ़ाई हुई ओ ए रेखा को पी बिंदु पर काटती है। बिल्कुल पहला पॉइंट आप केवल कैसे करिएगा, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप की तरह ही हमें इसकी रचना करनी है। अब बीच के डायग्राम में आप क्या करिएगा कि 15-15 डिग्री के अंतराल पर जो भी विस्तार आपका दिया गया है, चाहे वो विस्तार आपका 15 डिग्री से 65 डिग्री हो, उसी अंतराल पर आपको इसको बनाना है। अब ओ ए रेखा को पी बिंदु पर काटती है। अब सी बी अर्धव्यास से 0 बिंदु को केंद्र मानकर चाप बनाइए ओ सी, ओ डी,
ओई ओएफ तथा ओजी रेखाओं को क्रमशः एच आई जे के तथा एल बिंदुओं पर काटता है। इन प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं, देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है इसमें, इनमें जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं ओ ए रेखा पर क्रमशः एच एच डैश, आई आई डैश, जे जे डैश, के डैश तथा एल एल डैश हम लंब बनाएंगे। अब नेक्स्ट चित्र आइए, आप ये पहला आपका फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर आइए। इसमें हम ये दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले आप कोई भी एक सरल लंबवत रेखा खींच दीजिए जिसको हम पीएम पॉइंट कहते हैं, जो प्रक्षेप के केंद्रीय मध्यान रेखा को दर्शाएगी। पी को केंद्र मानकर पी आर व्यास से एक चाप खींचिए जो केंद्रीय मध्यान रेखा को ए बिंदु पर काटता है। यह चाप 45 डिग्री उत्तर की मानक अक्षांश को दर्शाएगा। अब हमें कंपास में BC दूरी को भरकर केंद्रीय मध्यान रेखा पर दो चिन्ह बनाएंगे N बिंदु से ध्रुव की ओर तथा दो चिन्ह N बिंदु से भूमध्य रेखा की ओर, क्योंकि इसका जो विस्तार है 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 75 है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि P बिंदु पर ध्रुव नहीं बनेगा, बल्कि हम केंद्रीय मध्यान रेखा पर 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त से आगे BC के बराबर दूरी पर एक और चिन्ह अंकित कर देंगे और यह चिन्ह उत्तरी ध्रुव को प्रकट करेगा। देशांतर रेखा बनाने के लिए हमें 15 डिग्री अक्षांश पर H और H डैश के अंतर पर 30 डिग्री का अक्षांश भी लेना है, 45 डिग्री के मानक अक्षांश पर JJ के अंतर पर। इस तरीके से हमें सारे